सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में सम संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न तथा विषम संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सम संख्या के योगफल या विषम संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, लगातार सम संख्या जो होता है वह होता है एक्स, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस सिक्स, डॉट डॉट, इस तरह से है ना। माना गया सम संख्या क्या होता है, एक्स, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस सिक्स, लगातार मतलब इस तरह से होता है, दो का अंतर रहता है। क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, दो, यहाँ दो रखेंगे तो यहाँ चार, यहाँ छः, यहाँ आठ, इस तरह से है ना। तो इसी को लेकर के चलना है। तो प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, तीन लगातार सम संख्याओं का योग 78 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीन संख्या कह रहा है, तो यहाँ तीन संख्या को ले लेंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस दो प्लस एक्स प्लस फोर बराबर 78 है ना। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और कहने का मतलब इजी भी है। तो एक्स 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 कितना एक्स, तीन एक्स, तीन एक्स, चार दो छः बराबर 78। तो थ्री एक्स बराबर 78 में से 6 गया तो 72, अब 3 से काट दीजिए, 3 दुना के 6, 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आ गया, 24। तो x तो सबसे छोटी संख्या है, तीन संख्या आप लिए हैं तो सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 4, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 है, तो 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28 आंसर, 28 आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तीन लगातार सम संख्याओं का योग 96 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन लगातार सम संख्या का योग, तो थ्री एक्स प्लस 6 बराबर 96। अब ये थ्री एक्स प्लस 6 कैसे हुआ, देखिए पहली संख्या आप x मानेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 2 मानेंगे और तीसरी संख्या x प्लस 4 मानेंगे, ये सभी को जोड़िएगा तो थ्री एक्स, चार दो छः, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, ये जोड़ना तो है नहीं कंपटीशन में, तो सीधे थ्री एक्स बराबर 6 घटेगा तो 90, 3 से काट दीजिए, 30 तक 90, एक्स का वैल्यू 30, तो बड़ी संख्या है एक्स प्लस 4, बड़ी संख्या क्या है एक्स प्लस 4, तो 34 आंसर है ना, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, चार लगातार विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इस बार विषम संख्या आ गया है। तो देखिए विषम संख्या भी वही होता है, देखिए माना गया लगातार विषम संख्या एक्स, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस छः। अब कहिएगा कि सर सम में भी वही होगा, विषम में भी वही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सबसे छोटा विषम यदि आप एक रखते हैं तो अगला एक दो तीन आ जाता है, एक चार पाँच आ जाता है, एक छः सात आ जाता है, तो विषम आया कि नहीं है ना। एक्स का वैल्यू सबसे छोटा सम है या तो सबसे छोटा विषम है, सबसे छोटा विषम रखते हैं तो सब विषम आ रहा है। तो कहने का मतलब कि सम और विषम दोनों में मानी गई संख्या एक ही है, इसे आप कंफर्म याद रखेंगे, इसमें सम और विषम में कोई अंतर नहीं है, माना गया संख्या एक ही है। तो कह रहा है चार विषम लगातार विषम संख्या का योग कितना है, 72 है, चारों को जोड़ दीजिए, तो चार एक्स, चार एक्स प्लस 12, छः छः 12, अब बराबर कितना है, 72 है, 72 लिख दीजिए, चार एक्स बराबर ये 72 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 60 बच जाएगा, के चौ 60,
15 चौके 60 एक्स बराबर 15। सबसे छोटी विषम कौन आ गया? 15। सबसे छोटी विषम 15, तो सबसे बड़ी चार को आप विषम लिए थे, सबसे बड़ी है x प्लस 6, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पे आंसर 21 आंसर। दोस्तों आपको समझ में आ ही रहा होगा, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है देखिए, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 125 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? इस बार 5 लगातार विषम संख्या है, तो 5 लगातार कौन कौन हो जाएगा? एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, ये 5 लगातार जो है विषम संख्या हो गया। अब इन पाँचों का योग है 125, जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 5x, है ना, 12 8 20 बराबर 125। तो 5x बराबर 125 में से 20 चला जाएगा, तो 105 के पचे पचोतल से, 15 सबसे छोटा, सबसे छोटा विषम कितना आ गया? 15 आ गया। तो सबसे बड़ी कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी पाँचवा है ना, तो पाँचवा सबसे बड़ी यहाँ ज्ञात करना है, तो x प्लस 8 का मान हो जाएगा 15 प्लस 8 23। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 23 आंसर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है? 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, 308 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, वर्गों का योग है ना। चलिए तीनों के वर्ग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर बराबर 308। ये है कि तीनों संख्या, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग कर दिए है ना। चलिए जल्दी से इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8x बराबर 308। चलिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना? 3x स्क्वायर। चलिए 8 और 4 प्लस 12x और यहाँ पे 16 4 20 बराबर इतना 288। दोस्तों इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 बच जाएगा। अब इसका द्विघात समीकरण बनाना है, इसका द्विघात समीकरण बनाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 8 96 है ना, 12 8 96 12x माइनस 8x माइनस 96 बराबर 0। तो इस तरह से x का वैल्यू 8 आ जाता है, x का वैल्यू क्या आ जाता है? 8। तो सबसे छोटी सम संख्या 8 आ जाता है, तो कौन सी संख्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 4, तो x प्लस 4 बराबर 8 4 12, इस तरह से 12 आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? इस बार फिर वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर बराबर 251 इस तरह से। चलिए जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर जब करते हैं, तो कितना आ जाता है? एक्स स्क्वायर 3x² प्लस ये हुआ था 12x + 20 बराबर 251। 3x² प्लस 12x, चलिए इसको इधर लाइएगा और घटा दीजिएगा, तो घटाव 231 बचेगा, 231। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो x² + 4x घटाव 3 कॉमन लीजिएगा, 231 को काटिएगा, तो 7 + 21 ये 77 हो जाएगा, 11 × 77 11 × 7x इस तरह से। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर 7 आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा।
तो बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या 7 हो जाएगा, ये आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आप सम संख्या और विषम संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न को बना सकते हैं। बस इसको रिवीजन के तौर पर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।